वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। दिस इज़ मदिया हेयर। और आज के ब्लॉग में मैं आई हूँ, आप आज जिस तरह मैं चावल बनाती हूँ, पुलाव बनाती हूँ, मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी। वैसे तो सबको बनाने आते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ आज मैं आपको वो सिखाऊंगी। काइंडली वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, और बेल का बटन लाजमी दबाइएगा, ठीक है। मैं इसको सोक कर चुकी हूँ। अब सोक करने के बाद मैं अपना चिकन भी डाल दिया है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ जी। तो ये मैंने चिकन भी जो है ऑयल डाल के और इसमें चिकन डाल दिया है, और चिकन डालने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा, नमक और सिरका डाल के इसको मैंने इस तरीके से थोड़ा सा पका लिया, ठीक है। 10-15 मिनट पका लिया, इसका पानी निकल आया। अब इसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, और टमाटर के बाद जो है मैं इसमें बाकी मसाले डालूंगी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें डाल दिए टमाटर ऊपर, ठीक है। इसके बाद ये बिरयानी मसाला, तकरीबन 6 चम्मच बिरयानी मसाला है, और तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया है 5 चम्मच के करीब नमक, ठीक है, क्योंकि चावल मेरे पास ज़्यादा है, 3 किलो से थोड़े ज़्यादा। लाल मिर्च मैं थोड़ी डाल रही हूँ, क्योंकि बिरयानी मसाले में भी लाल मिर्च होती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें 3 तकरीबन बादियान के फूल और सिनेमन स्टिक्स और कुछ ये काली मिर्च, ठीक है, ये डाल के और ये मैं ऊपर डाल दूंगी। इसमें मैं इसे थोड़ा भून लूंगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर अपने चावल डालूंगी, ठीक है। चलें, अब ये थोड़े भून जाएं, उसके बाद मैं इसमें चावल डालूंगी। चलें, ये देखें चावल, चिकन हमारा तकरीबन गल गया है, और ठीक है, अब इसमें हम चावल डालेंगे। मैं चावल डाल के आपको दिखाती हूँ। चलें, ये मैंने चावल डाल दिए। चावल के ऊपर मुझे थोड़ी सी कमी लगी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, बादियान के फूल, ये पत्ते वगैरह जो सारा खड़ा गरम मसाला होता है ग्राइंड किए बगैर, वो तो सारा डाल दिया, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया जो होता है पाउडर वाला, वो डाल दिया, ठीक है। बिल्कुल पाउडर नहीं, थोड़ा सा दरदरा सा जो होता है, ठीक है। अब मैं इसको सबको मिक्स करके और इसमें पानी डाल दूंगी। मैं आपको अपना यूनिक वे दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से इसमें पानी का मेजरमेंट रखती हूँ, ठीक है। शायद बहुत लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन ये काम करने से पहले मैं पहले हाथ अच्छी तरीके से धो लेती हूँ, तब ही मैं ये मेथड अप्लाई करती हूँ, ठीक है। सो अगर किसी को नहीं पसंद तो वो फिर एक कटोरी के हिसाब से 2 कटोरी पानी डाल सकता है, ठीक है। अगर 1 कटोरी चावल है तो आप 2 कटोरी। मैंने इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है। मेरा तरीका जो है मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें इस तरीके से उंगली रख देती हूँ चावल के ऊपर, ठीक है, चावल के अंदर नहीं डालना, और ये पानी इतना होना चाहिए, ठीक है, एक बंद से ऊपर, एक बंद से नीचे, ठीक है। ये देख लें इस तरीके से, ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ठीक है, इतना पानी होना चाहिए। ये मेरा बंद है, इतना पानी होना चाहिए, चाहे वो आपका देग हो, चाहे वो आपके 1 किलो चावल हो, तभी आपके चावल परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। अब ये जब पक जाएँ तो मैं आपको दिखा दूँगी जी। तो ये मेरे चावल ऑलमोस्ट पक गए हैं, इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, सो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है। इस लेवल पे आके आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स कर देना है, और फिर इसके ऊपर ढक्कन दोबारा सा लगा देना है। फिर बाकी का पानी जब ये सोक कर लेगा तो उसके बाद आपने इसको खोलना है, ठीक है। चले, फिर जब पूरे पक जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसके पानी खुश्क हो गया, अब मैंने ऊपर गरम मसाला डाल दिया, और गरम मसाले के बाद मैंने इसके ऊपर कपड़ा लगा देना है, ठीक है, कपड़ा अपने गीला करके और वो लगाना है, ठीक है। कोई मोटा सा कपड़ा ले ले कि दम उसका अच्छी तरीके से हो। ये मैंने कपड़ा अच्छी तरीके से गीला करके और इस तरीके से मैंने ढक्कन लगा दिया, ठीक है। अब ये दम हो जाएगा, और जब इसकी फाइनल लुक आएगी मैं उसको ट्रे में निकालूंगी, तब मैं आपको दिखा दूंगी जी। तो हमारे चावल रेडी हो गए हैं, ठीक है, देख लें चावल कितने अच्छे बने हैं, ये देख लें, ठीक है। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है, ताकि इसका जो गरम मसाला है वो इसमें अच्छे तरीके से हल हो जाए। आज हमने इतने चावल क्यों बनाए, ये आपके जहन में ज़रूर आ रहा होगा। इतने चावल इसलिए बनाए कि आज हम अपने सारे पड़ोसियों को देंगे, ठीक है। कुरान ख़त्म घर में हो गया है, और इस वजह से आज ज़्यादा सारी चीज़ें बना के हमने भेजनी है।
ओके जी चल. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야.